हाय फ्रेंड, मैं पूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेस सर्च में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जो ट्रेनिंग ऑफिसर सिलेक्शन टेस्ट 2016 में हुआ था उसका जो पूरा पेपर है उसका मैं एनालिसिस करवाने वाली हूँ आपको। क्वेश्चन किस लेवल के हैं, क्या रहता है, पैटर्न क्या है एग्ज़ाम का, पूरा सिलेबस और यहाँ पर सब बताने वाली हूँ कि कैसे क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो आप लोग पूरी वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं वो लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको इसी टाइप की न्यू वीडियोस मिलती रहेंगी। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये जो एग्ज़ाम पेपर है ट्रेड जो बेल्डर ट्रेड वाले हैं उनके लिए है। तो जो और ट्रेड्स हैं वो मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई हैं, तो आप लोग वहाँ पर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। MPITITO करके जो प्ले लिस्ट पड़ा है वहाँ से आप लोग पूरी वीडियोज़ देख सकते हैं इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, अदर वीडियोज़ भी, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन आते हैं वो 75 रहते हैं और जो आपके ट्रेड के रहते हैं वो 75 हैं। तो ये बेल्डर ट्रेड वालों के लिए है, तो इसमें 75 आपके बेल्डर ट्रेड से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं यहाँ पे कि क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे इसमें है, विच फेमस पर्सन वाज बोर्न इन लुम्बिनी टू शुद्धोधन एंड माया, मतलब कौन वो प्रसिद्ध व्यक्ति है जो लुम्बिनी में पैदा हुआ तथा शुद्धोधन और माया का पुत्र है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो है गौतम बुद्ध। आपको पता है गौतम बुद्ध जो हैं वो लुम्बिनी में पैदा हुए थे और जो उनके पिता थे वो शुद्धोधन और माता का नाम माया था, ठीक है। इस टाइप से फर्स्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग देख सकते हैं ये आपका इंडिया की जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें मतलब एमपी जीके से क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन है, तो उनका डिवीजन इस टाइप से है कि आपको 8-10 क्वेश्चन एमपी जीके और करंट अफेयर से मिल जाएंगे और 8-10 क्वेश्चन इसी टाइप से आपको मतलब कि मिल जाएंगे ऑल इंडिया करंट अफेयर और जीके से रिलेटेड, और बाकी कुछ 3-4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इसमें एमपी नहीं ऑल इंडिया मतलब कि जनरल साइंस से आपको कुछ मिल जाएंगे। तो इस टाइप से आप देखेंगे कि 3 पार्ट में डिवाइड है, एमपी जीके, इंडिया जीके और मतलब दोनों के करेंट अफेयर और यहाँ पे जनरल साइंस। तो इस टाइप से आपको 25 क्वेश्चन मिल जाते हैं, कभी कभी ये मतलब जनरल कंप्यूटर के भी 1-2 क्वेश्चन इसमें डाल देते हैं, ठीक है। तो आप सेकंड क्वेश्चन देखेंगे कि वेयर इज़ दी हेडक्वार्टर ऑफ बेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन सिचुएटेड, तो जो पश्चिम बंगाल रेलवे जोन का मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है। तो आपको पता है जो पश्चिम सेंट्रल रेलवे जोन है वो आपका जबलपुर में है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपका MPGK से रिलेटेड है, ये मध्य प्रदेश में है जबलपुर, ठीक है। तो अब इसी टाइप के थर्ड क्वेश्चन है कि बीच अमंग दीज इन इंडियाज स्पाइस गार्डन, मतलब निम्न में से कौन भारत का स्पाइस गार्डन है, तो भारत का जो स्पाइस गार्डन है वो है केरल, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा केरल। इसी टाइप के आपको पूरे क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, जैसे इनमें से कौन सा खेल मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, तो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखंभ है, ठीक है। इन सब पे मैं सेपरेट वीडियो भी बना दूंगी, तो आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और कुछ वीडियोस वहाँ पे पड़ी हुई हैं तो आप लोग देख सकते हैं, नॉन टेक ITITO एग्ज़ाम करके, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक। यहाँ पे है RH फैक्टर शब्द को हम किसके संबंध में सुनते हैं, RH फैक्टर को हम सुनते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी कि रक्त आदान के संबंध में, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका जनरल साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप के आपको जनरल साइंस के भी सिंपली क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल की नहीं है। तो मैं बुक्स वगैरह भी आप लोगों को बता दूंगी कि आप लोगों को कौन सी नॉन टेक के लिए परचेज करनी है। अब इसमें आप देख लेंगे कि किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु ताशकंद में हुई थी, तो जो लाल बहादुर शास्त्री थे उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे, मतलब प्रधानमंत्री पद पर रहती हूँ, इनकी मृत्यु ताशकंद में हुई थी। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा आपका आंसर नंबर 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 लाल बहादुर शास्त्री। इस टाइप के पूरे क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे, तो ये आपके 25 क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहती, इसलिए मैं आप लोगों को ये जो क्वेश्चन वगैरह हैं तो आप लोग देख लेना। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है, जैसे निम्न में से कौन सा राज्य कालीन की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है, तो कालीन की बुनाई के लिए जो राज्य प्रसिद्ध है वो है जम्मू एंड कश्मीर, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका रिपीट है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित मलजखंड खदान में कौन सी धातु निकाली जाती है, ठीक है। तो ये है कॉपर धातु यहाँ पे, और ये मतलब कि पिछले उसमें पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन मतलब या जो खनिज प्रोडक्ट है वो निकाला जाता है, तो वो है कॉपर या तांबा, ठीक है। तो इस टाइप के आपके जो मध्य प्रदेश के जो जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आते हैं। जैसे यहाँ पे है चंडीगढ़ की रूपरेखा किसने तैयार की थी, तो ली कॉर्ब्यूज़र ली कॉर्बिज़िए ने जो है वो चंडीगढ़ की रूपरेखा तैयार करी थी, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन जो रहते हैं वो मिलते हैं। जैसे ये है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि निंदनीय भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी कंपनी जिम्मेदार थी,
तो जो थी वो यूनियन कार्बाइड कंपनी थी इसके लिए जिम्मेदार, ठीक है। तो आपको इसका गैस का भी नाम याद रखना है और किस सन में ये जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी वो हुई थी, ठीक है, वो सभी आपको याद रखना है। तो इस पर भी मैं सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगी, तो आप लोग पूरे फैक्ट इंपॉर्टेंट याद रखें। तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल पर नए हैं, ठीक है। इससे आप देखेंगे यहाँ पे जैसे ये नेशनल पार्क वगैरह हैं एमपी के, वो भी बताए हुए हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो यहाँ पे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या कान्हा नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। ऐसे आप देखेंगे तो ये 25 क्वेश्चन आपके नॉन टेक के हो जाएंगे। अब हम टेक्निकल पर आते हैं, तो टेक्निकल में आप देखेंगे ये बेल्डर ट्रेड वालों के लिए, अदर ट्रेड्स वालों के लिए भी मैं सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर एम पी आई टी आई टी ओ 2020 करके करेंगे तो आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे बेल्डर से है, तो यहाँ पे बेल्डर के लिए इन्होंने जो फर्स्ट क्वेश्चन बताया बेल्डर ट्रेड वालों के लिए वो है कि मेटल डिपोजिशन रेट इन SMAW इज, मतलब कि SMAW में धातु निक्षेपण दर होती है। तो जो धातु निक्षेपण दर होती है वो कैसी होती है यहाँ पर, तो जो आप लोगों का आंसर होगा वो होगा लेस देन GMAW, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन है तो इसका आपका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो सेकंड क्वेश्चन है वो है कि बेल्डन के लिए टुकड़े काटने हेतु सबसे पहले एक ब्लैंक आरेख तैयार किया जाता है, तो कौन सा आरेख तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे है जो ब्लैंक आरेख है उसका नाम क्या है आपका, डेवलपमेंट, ठीक है। हम जैसे थर्ड क्वेश्चन भी है यहाँ पे, ये जैसे फोर्थ क्वेश्चन देखें कि एसिटिलीन कैन बी डिजॉल्व्ड इन अ केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड, एसिटिलीन एक रासायनिक पदार्थ में घुल सकती है जो कहलाती है, वो क्या कहलाती है, एसीटोन, ठीक है। जो एसिटिलीन है वो एसीटोन में घुल जाती है। जिस टाइप के सिंपल क्वेश्चन ही आपको मिलते हैं, आपको पता है इसका जो लेवल है वो आपका इजी, मॉडरेट और हाई लेवल तीन कैटेगरी में रहता है। तो जो हाई कैटेगरी है उसके आपके 10-20% क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, बाकी आपके जो मॉडरेट लेवल के हैं वो और इजी लेवल के वो कंबाइंड मिला के आपको 80-90% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है और साथ में प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर वगैरह का एनालिसिस करके प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। और बुक्स वगैरह मैंने बताई हूँ तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पर वीडियो पड़ी हुई है। यहाँ पे आप जैसे देखेंगे ये क्वेश्चन है कि द बेस्ट प्रोसेस फॉर रिपेयर ऑफ अ बर्न आउट साफ्ट, मतलब घिसे हुए साफ्ट में सुधार की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। तो यहाँ पे है हार्ड फेसिंग या कठोर लेपन, ठीक है। तो इस टाइप से आप देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन हैं उनका लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, ऐसे ही आप और क्वेश्चन इसमें देखते रहेंगे। तो जैसे यहाँ पे फुल फॉर्म वगैरह भी पूछ सकते हैं यहाँ पे, या फिर जैसे ये क्वेश्चन है कि हाई डिपोजिशन रेट एंड स्पीड कैन बी एक्सपेक्टेड इन ब्लैंक, मतलब उच्च नीचे पर दर एवं गति ब्लैंक में अपेक्षित की जाती है, तो किस में की जाती है, SAW में, ठीक है। इन सब के फुल फॉर्म वगैरह भी होते हैं, तो वो मतलब कि जब मैं क्लासेस वगैरह लूँगी तो मैं उसमें पूरा आप लोगों को बता दूँगी। अभी क्योंकि इतना टाइम नहीं है, वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो कोई पूरी वीडियो को देखता नहीं है, बहुत कम लोग ही पूरी वीडियो तो को देख पाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है, ये क्वेश्चंस वगैरह सब इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसी से लेवल पता कर पा रहे हैं, ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोगशाला परीक्षण है, तो प्रयोगशाला परीक्षण कौन सा है इसमें, तो जैसे इसमें जो होगा वो होगा आपका टेंसाइल टेस्ट या तनन परीक्षण, ये प्रयोगशाला परीक्षण या टेस्ट है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस टाइप से पूरे ये क्वेश्चंस रहते हैं, तो ये आपको 75 क्वेश्चन आपको टेक्निकल के मिल जाएंगे और जो 25 क्वेश्चन है वो नॉन टेक के, तो आप लोग इजीली क्रैक कर सकते हैं। अभी 4 से 4.5 महीने हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग अगर कंसिस्टेंसी बनाकर 2 से 3 घंटे पर डे पढ़ाई करें तो आप लोग आराम से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे देखेंगे यहाँ पे तो पूरे आपको 75 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और क्वेश्चंस का लेवल वगैरह भी देखिए इतना हार्ड नहीं है। जैसे यहाँ पे जो है चेक द लीकेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस कनेक्शंस विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस या CO2 गैस कनेक्शन की रिसाव की जाँच खाली स्थान के साथ करें, तो किसके साथ करी जाती है, वाटर सॉल्यूशन, मतलब साबुन जल बिलियन, यहाँ पे सोप वाटर सॉल्यूशन, सोप और वाटर के सॉल्यूशन का मिक्सचर जो रहता है उससे जो गैस कनेक्शन होता है उसके रिसाव की जांच करी जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा साबुन जल बिलियन, ठीक है, इसका आंसर। इसी टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, मैं आपको PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप लोग वहाँ से जाकर PDF डाउनलोड कर लेंगे और खुद से ये क्वेश्चन पेपर वगैरह लगाएंगे और इसी के अकॉर्डिंग आप लोग देखेंगे कि लेवल क्या है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स वगैरह हैं आपके इन क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप लोग वहाँ से जाकर टॉपिक वाइज सिलेबस को पढ़ेंगे और उसके क्या करना है आपको, सिलेबस को पहले थ्योरी पढ़नी है सिलेबस की उस पार्ट की, फिर उसके बाद आपको उसी से रिलेटेड MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन लगाने हैं, और फिर आप लोग को पेपर वगैरह अगर मिल जाए आपको और
मॉडल पेपर वगैरह मिल जाएँ तो आपको वो सॉल्व करने हैं, तो इससे क्या होगा आप लोगों का जो सिलेबस वगैरह है वो ईजिली कम्प्लीट हो जाएगा और आप लोग मतलब कि एक्यूरेट पढ़ाई कर पाएंगे इसमें, ठीक है। तो इसी टाइप के आप यहाँ को यहाँ पे पूरे 75 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यहाँ पे ये देखिए आप लास्ट क्वेश्चन 75 है इसमें, तो इस टाइप से पूरे क्वेश्चंस पेपर आपको पूरा मिल जाएगा। आप लोग PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके डाउनलोड कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जो लोग पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।